हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टू शिफ्टर्स। आज है डे 3 और हम लोग हैं यहाँ पे मडिकेरी में और आज हमारा लास्ट दिन है ट्रिप का। हम लोग आज वापस घर जाने वाले हैं। हम लोग उठे थोड़ी देर पहले, जस्ट एक वॉक के लिए गए थे, सम अ फ्यू मीटर्स अराउंड द एस्टेट हाईवे पे, हाईवे नहीं मतलब जो रोज रास्ता है जहाँ से हम लोग कल आए थे, थोड़ा चल के आए, घूम फिर के आए हैं। अच्छा सनराइज़ था यहाँ पे, हम लोग वो भी देख रहे थे जस्ट बैठ के, भी जस्ट रिलैक्सिंग। आई हैवंट रिकॉर्डेड एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, तो मैंने वही किया। सो या इट वाज अ गुड टाइम एंड रात को भी काफ़ी अच्छा नींद आया बिकॉज कोल्ड वेदर था। येस्टरडे से तो काफ़ी बेहतर था बिकॉज कल वहाँ पे फ़ैन भी, वो वॉल माउंट फ़ैन था, तो इतना इट वॉज़ नॉट इफेक्टिव एंड मस्किटोज बहुत ज़्यादा थे। और इतनी ठंड भी नहीं थी बट इट वॉज़ क्वाइट ह्यूमिड, तो इतना अच्छा नींद भी नहीं हुआ था। सो टुडे वी हैड गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, फिर खाना खाने गए, आए, तो वी हैड गुड रिलैक्सिंग टाइम। सो अभी विल जस्ट वेट फॉर अ वाइल अंटिल द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, नाश्ता करके फिर वी विल स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स बैंगलोर। हो गया ट्रिप ख़त्म, बस 3 दिन का ट्रिप था, ख़त्म हो गया। और ये देखिए मेरे पीछे बहुत मस्त नज़ारा है पीछे, इट्स अ नाइस वैली व्यू डाउन देयर। और वहाँ पे अगर पीछे देख सकते हो, और देयर इज एक्चुअली अ हट सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच इज मेड शेयर, ये पेड़ के पीछे नहीं दिख रहा होगा। एनीवेज, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे फॉर अ नाइट और अ कपल ऑफ नाइट्स, जो भी है यू कैन डेफिनेटली कम हियर। इट्स कॉल्ड फोर सीज, अम्यूनिटीज आर नॉट ग्रेट बट अच्छा है फॉर अ नाइट और अ कपल ऑफ नाइट स्टे। दे ऑल्सो हैव बिग रूम्स, आई विल जस्ट शो टू यू। सो ये जो है दिस कॉम्प्लेक्स, उसमें जो है बड़े वाले रूम्स है, सो यू कैन टेक इट फॉर ग्रुप स्टेज ऑफ 4 पीपल और 6 पीपल, समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ वॉट इट इज़। और प्रॉपर्टी में ज़्यादा है नहीं, एंट्रेंस देन दैट वन, नीचे पूल है, दैट्स अबाउट इट। तो ये वाला एंट्रेंस है हमारे रूम का, रूम को जाने के लिए, हमारा रूम वहाँ ऊपर है एंड हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क की बहुत ही सेफली, साउंडली, विदाउट एनी टेंशन फॉर द नाइट, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ से पूल को जा सकता है, लेट्स गो टू द पूल। दिस इज द पूल, छोटा सा है, नॉट दैट ग्रेट एंड नॉट दैट वेल मेंटेन्ड ऑल्सो, बट इट्स देयर। यहाँ पे शावर्स वगैरह बनाए हुए हैं बट लुक्स लाइक इट्स नॉट मेंटेन्ड दैट वेल, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड हाँ, वो जो एस्टेट का मैं बात कर रहा था आपसे, दैट इज़ राइट हियर। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑल दिस व्हाट डू यू कॉल इट, what do you call that, droplets, what is it called, वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोग देखने के लिए गए। वहाँ पे एक हट जैसा बनाया हुआ है फॉर पीपल टू जस्ट स्टैंड एंड हाँ, ड्यू ड्रॉप्स, परफेक्ट। तो ये सब प्लांट्स पे, मतलब बिकॉज ऑफ द फॉग सभी प्लांट्स पे, हमारी बाइक्स पे, सभी जगह पे एकदम ड्यू ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला एक छोटा सा पॉन्ड है जो बहुत ही गंदा है। एंड या बहुत ही, द वैली इज़ रियली ब्यूटीफुल विद ऑल द ट्रीज। सनराइज वॉज जस्ट राइट देयर फ्रॉम दैट साइड, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइड। हम लोग जब उठे तो ऑलमोस्ट द सन वॉज अबाउ द ट्रीज एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव अ लुक एज सून एज यू वोक अप इन द मॉर्निंग। विक्रम, नींद आया अच्छा सा? ओह अच्छा सोया, बेटर देन लास्ट नाइट। हाँ एक्चुअली लास्ट नाइट से काफ़ी अच्छा था बिकॉज इसका एंगल काफ़ी रेक्ड है। तो हाँ नींद काफ़ी अच्छा आया बिकॉज द वेदर वॉज कूल, मेनली दैट वॉज द रीजन, एंड मस्किटोज या इंसेक्ट्स कुछ भी नहीं था। द रूम वॉज क्वाइट बेटर, वी एक्चुअली क्लोज द विंडोज इन द इवनिंग टू एंश्योर दैट ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज कल तो हमें परसों रात तो बहुत ज़्यादा मतलब मस्किटोज वगैरह थे, तो नींद ही नहीं आया। एंड यहाँ पे इट वॉज वेरी वेरी गुड, मतलब कोजी अच्छा नींद आया, सो ही स्लेप्ट वेल। सो द राइड बैक होम शुडंट बी एन इशू। यहाँ से 260 किलोमीटर्स है मेरे घर के आसपास एंड विक्रम को 280 किलोमीटर्स है, ही लिव्स ऑन द अदर एंड ऑफ द सिटी फ्रॉम वेयर वी आर एंटरिंग।
तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आई थिंक हम लोग शायद 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, सो पीक आवर ट्रैफिक में नहीं पहुँचेंगे. आज मंडे है बाय द वे, सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. बट शायद बैंगलोर खाली पड़ा होगा बिकॉज ऑफ न्यू ईयर, बहुत ज़्यादा लोग मतलब बैंगलोर से बाहर निकल गए होंगे. तो जब सब लोग बाहर जाएंगे हम लोग अंदर जाने वाले. So anyways, that's about it. I mean, our trip is coming to an end. What was your experience of the entire trip, Vikram? It was pleasant. I mean, even on the beach, I expected it to be very hot. Yeah. But it wasn't so. Correct. And we, especially the, what is that, drive-in beach. Oh, that drive-in beach ka experience to matlab to be it has etched memories on our minds, yeah, for sure, definitely. Yeah, nice. Something that you have to do. Oh, seriously. Sure. You have to experience this. You have to experience yourself, yeah. Seriously. Other than that, I think everything went pretty great. Even yesterday, we just went out scouting for lunch or Big Cup Cafe. We had a light, late lunch, kiya, but acha tha. It was nice a lunch, good and pleasant place to have lunch there. Yeah, yeah. We had a relaxing time. We had yahan pe kaafi relax kiya hum log. Matlab yesterday, kal hum log 2 baje kuch pahunche the yahan pe. Tab se almost hum log relaxed hi the. Sirf wo ek लंच के लिए बाहर जाना पड़ा, अगर वो भी यहाँ पे मिल जाता तो शायद हम लोग वो भी एफर्ट नहीं डालते. सो दैट्स अबाउट इट गाइस. आई थिंक वी विल जस्ट हैव ब्रेकफास्ट एंड हेड आउट. तो आपको मैं वापस मिलूंगा जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे. ब्रेकफास्ट संपूर्ण करे इडली सांबर सांबर सांबर. फाइनली टाइम आ गया गाइस यहाँ से निकलने का. लास्ट डे ऑफ द ट्रिप, हम लोग को भी जाना है बैंगलोर हमारे घर. बाइक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए, सैडल अप, विक्रम का सैडल लग गया, मेरा टॉप बॉक्स लग गया, मेरा टैंक बैग वहाँ पे है, उसको बस ऊपर रखना है, क्लिक करना है एंड वी आर ऑफ. एंड यहाँ पे हम लोगों को होस्ट किया था इन्होंने. सर आपका नाम? विजयन. विजयन सर ने होस्ट किया था हमको यहाँ पे. अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ही इज़ एट योर सर्विस एनी टाइम दैट यू नीड हिम. एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे. मतलब बहुत ही काम है, सिटी से काफ़ी दूर है और काफ़ी अंदर भी है, सो इट इज़ वेरी काम एंड क्वाइट. एंड इवन द फूड वॉज रियली रियली गुड, द फूड सर्व वॉज रियली गुड. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर हॉस्पिटैलिटी. सो अभी हम लोग निकलते हैं. विक्रम हैज ऑलरेडी कम विद ऑल ऑफ हिज हेलमेट्स एंड जैकेट्स. मुझे अभी अपना जैकेट और हेलमेट लेके आना है एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू स्कूट ऑफ. सो अभी टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का. बाइक्स थोड़ी सी वार्म अप भी कर ली, चलो निकलते हैं. थैंक यू. ये इसने हमको बहुत डराया भाई, कल रात को बहुत डराता है भाई तू. चमत्कारी कुत्ता, नहीं क्या नाम था, चमक कुत्ता, चमक डॉगी. जैसे ही हम लोग चल के जा रहे हैं कहीं से भी दौड़ के भागा चला आता है हमारे पीछे डराने के लिए. बाबा आई होप बैंगलोर जाने तक धूप ना आए बस. आई मीन धूप तो आ गई है, ज़्यादा गर्माहट ना हो.
यहाँ से आई थिंक शायद 5-10 किलोमीटर के अंदर हम लोग 4 लेन वाला हाईवे टच कर देंगे। वहाँ से 130 किलोमीटर कुछ होगा, तो शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर हम लोग बैंगलोर पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, हम लोग चले थे वहाँ से 11 बजे, तो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो गए। अच्छा खासा हम लोगों ने मतलब किया, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर प्लस कवर कर लिया हम लोगों ने। फाइनली हम लोगों ने 4 लेन हाईवे पकड़ लिया है और अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं होटल मयूरा में। ज़्यादा कुछ खाने का मन तो नहीं है, लेकिन कुछ तो खाना पड़ेगा फिर, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी सी भूख तो है। तो हम लोगों ने एक बिरयानी ऑर्डर की है और एक कर्ड राइस ऑर्डर किया है। फटाफट खा के निकलेंगे वापस। यहाँ से बैंगलोर है अराउंड 100 किलोमीटर्स के आसपास, तो शायद 1.5 घंटा लगेगा। अभी बज रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, तो शायद 2 घंटा और मे बी 4 बजे तक मैं होपफुली घर पहुँच जाऊँगा। होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो अभी बिरयानी भी आ गई है, देख लीजिए बिरयानी, ये है हमारी वेज बिरयानी। सो ये था हमारा लास्ट फ्यूल स्टॉप इस ट्रिप का। मेरे में ऑलमोस्ट 7 लीटर का पेट्रोल आया, फिर विक्रम के बाइक में ऑलमोस्ट 9 लीटर आया, क्योंकि हम लोग मडिकेरी कल गए थे तो उसकी बाइक लेके गए थे, उसको कुछ 27 की माइलेज आई और मेरे को कुछ 29 के आसपास, और इस पर दिखा रहा था 33, सो थोड़ा बहुत एरर आएगा बट स्टिल अ प्रीटी डिसेंट माइलेज है उससे। हम लोग इस रोड पे जब से आया है तब से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली हम लोग 100+ ही कर रहे हैं। यहाँ से बैंगलोर कुछ 45-50 किलोमीटर्स है, शायद एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे हम लोग। थोड़ी प्यास सी लग रही है तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। सो विक्रम यहाँ से दूसरा रूट लेके अपने घर जाएगा, मैं सीधा जाऊँगा, उसको शायद आधा पौना घंटा लगेगा घर पहुँचने में, और एंड आई शुड बी होम अनदर 20 मिनट्स और सो। हैड अ वंडरफुल राइड, बहुत मज़ा आया एंड टाइम से घर भी पहुँच गया। फाइनली घर पहुंच गया हूं मैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4:50, सो परफेक्ट टाइम पे पहुंचे हम लोग। 11 बजे शुरू किए थे, गूगल दिखा रहा था 5 hours 37 minutes, हमारे ब्रेक्स के साथ में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 घंटे में विदिन 6 hours वी कंप्लीटेड द राइड, सो इट वॉज वंडरफुल, वी रोड रियली नाइस, बहुत मज़ा आया। क्योंकि वॉज स्टिल वेरी हॉट, काफ़ी गर्म है, देखते उसके किलोमीटर्स वगैरह क्या हुआ है। सो My trip to is 715 kilometers, so total 715 kilometers in the last 3 days, and it was a wonderful, wonderful trip. बहुत ही मज़ा आया and it was very relaxing, and आज का दिन riding का बिल्कुल भी stress नहीं हुआ था, so the weather was pretty good, heat भी इतना नहीं था, तो काफ़ी मज़ा आया। I hope you guys enjoyed the vlog. If you did, please don't forget to give this video a like. And अगर आप नए हो तो please do consider subscribing to the channel. I will see you another time on another video on another trip. Till then, ride safe, ride hard, always wear your safety gear, and never ever forget wearing your helmet. Ciao.